हेलो एंड जय श्री कृष्ण, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलो तो आज के वीडियो में हम कृष्ण भगवान के लिए एक झूला बनाते हैं, पर उससे पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके कर दीजिए। तो सबसे पहले न्यूज़पेपर को इक्वल पार्ट में कट करके उसकी ऐसी स्ट्रिप्स बना लेंगे बहुत सारी। अब इन पेपर स्ट्रिप्स को हम लकड़ियों के आजू बाजू रोल करना स्टार्ट कर लेंगे। सारी स्ट्रिप्स सेम साइज़ की होनी चाहिए ताकि रोल सेम साइज़ के लगे, छोटे बड़े ना हो। और ऐसे ही हमें दो लकड़ियां पूरी पेपर से कवर कर देनी है। अभी दोनों स्टैंड के नीचे हम और सारी स्ट्रिप्स रोल कर देंगे ताकि पूरा झूला फॉर्मली स्टैंड कर सके। ये हमारा झूले के लिए बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अभी मैंने इसे पूरा ही ब्लैक पेंट मार दिया है। जब तक पेंट ड्राई होता है तब तक हम झूले को डेकोरेट करने के लिए थोड़े फ्लावर्स बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ये कॉपर स्ट्रिंग ली है और उससे मैं पहले पेटल्स बनाऊंगी। 3 पेटल्स बनाने के बाद मैं उसे स्टॉकिंग क्लॉथ से कवर कर दूंगी। ये स्टॉकिंग क्लॉथ आपको किसी भी स्टेशनरी में मिल जाएगा। ये सारे पेटल को हम थ्रेड के मदद से सिक्योर कर लेंगे और एक फ्लावर बना लेंगे। ये फ्लावर बनाना बहुत इजी है। अभी पहले तो मैंने इसके नीचे के पार्ट को ऐसे ही रहने दिया था, बट वो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसको ग्रीन वैक्स टेप से कवर कर दिया। और झूले को डेकोरेट करने के लिए ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स बना लिए। थोड़े मैंने स्टेशनरी से भी खरीदे हैं आर्टिफिशियल फ्लावर्स। अब हम आते हैं हमारे सबसे मेन पार्ट, झूला बनाने के लिए। तो मैंने सोचा है कि हम लोटस शेप का झूला बनाएंगे, बट इसके लिए मैंने सबसे पहले प्लास्टिक का बॉल यूज़ किया था, बट उस पर पेटल्स अच्छे से चिपके नहीं, इसीलिए मैंने उसे चेंज करके एक पेपर के बाउल से रिप्लेस कर दिया और क्ले से मैंने सारे पेटल्स बनाए। अब जैसे हम देख सकते हैं ऐसे ही एक एक पेटल सारे ही मैंने पेपर बाउल के आजू बाजू चिपका दिए। अब आती है इस लोटस को और रियलिस्टिक बनाने की बारी। इसको थोड़ा पिंक कलर कर देंगे और थोड़े से डार्क शेड्स दे देंगे ताकि वो रियल लोटस जैसा दिखे। अभी इसके ऊपर की सीट बनाने से पहले मैं इसकी साइड की स्ट्रिंग्स लगा देती हूँ। तो इसके लिए मैंने एक मोटा सा वायर यूज़ किया है, थोड़ा शाइनी सा वायर है, और इसको मैं दोनों साइड झूले में लगा दूँगी। और झूले की मेन सीट के लिए मैंने ये फोम शीट का इस्तेमाल किया और इसको मैंने एक अच्छे से हैंडकरचीफ से कवर कर दिया है, जो जिसमें भी ऐसे फ्लावर की डिज़ाइन है पिंक और वाइट कलर का, जो बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है लोटस के साथ। झूले की जो डोरी होती है वो पूरी मैंने बीज से बनाई है। ये हमारा झूला तो बनके रेडी हो गया, बस इसे डेकोरेट करना है। यहाँ मैंने झूले के नीचे एक मोटा और भारी लकड़ा ऐड कर दिया है क्योंकि झूला झुलाने पर वो स्टेबल खड़ा रह सके। और अब हम इसे डेकोरेट करेंगे जो हमने पहले फ्लावर्स बनाए थे उससे। सारे फ्लावर्स को रैंडमली लगाते जाना है ऊपर की स्टिक पे, जहाँ जहाँ सूट करे वहाँ पर। और जो बेस था वो बहुत प्लेन लग रहा था, इसलिए मैंने उस पर थोड़ी सी डिज़ाइन ऐड कर दी। पेंटिंग से किए इसलिए इतनी परफेक्ट नहीं बनी, बट
फिर भी अच्छी लग रही थी। और फिर ये रैंडम स्ट्रिंग हमारे पास पड़ी थी तो वो मैंने आजू बाजू में लगा दी। फिर उसमें मैंने थोड़े से कांच भी चिपकाए और जो मन करे वो डेकोरेटिव आइटम लगा के आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं और जितना सुंदर चाहे उतना बना सकते हैं। ये रियल में बहुत 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 ज़्यादा सुंदर बना है और इस पे कान्हा जी को बिठाने पर तो इस पे 4 चांद लग जाते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और आगे आप कौन से वीडियो देखना चाहते हैं ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। अभी इसके थोड़े ब्यूटीफुल शॉट्स इंजॉय कीजिए।